साथियों नमस्कार। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। यह क्यों होता है, आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्यादातर गाय भैंसों में जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, दूध उत्पादन में भारी कमी हो जाती है। पशु मालिक उसमें दवाइयां का प्रयोग कर लेता है, फिर भी दूध नहीं बढ़ता है। वो क्या कारण है जिससे आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता कम नहीं होगी? तो साथियों, हम बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम में लू। लू आप जानते हैं, जो गर्म हवाएं चलती है, लू के कारण जब पशुओं को ज्यादा गर्म हवाएं लगती है तो दूध उत्पादन क्षमता में भारी कमी आती है। तो आप पशुओं को लू से बचाने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो बने रहे आप स्टूडियो में अंत तक। देखिए, हम बात कर रहे हैं जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, गर्म हवाएं चलती है, टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसमें पशुओं को यदि आप धूप में ले जाते हैं या धूप में बांधते हैं या बांधने की सही व्यवस्था नहीं है तो पशुओं के दूध उत्पादन में भारी कमी होगी, क्योंकि पशुओं के शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी, डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, जिससे पशु का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और पशु धीरे धीरे दूध उत्पादन बहुत कम कर देगा। साथियों, पशुओं को लू से बचाने के लिए हम बहुत तरीके लाए हैं जिससे आप भी अपने पशुओं को गर्म हवाओं या लू से बचा सकते हैं। तो क्या है वह तरीका, हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही गर्मी ज्यादा गिरती है, 40 से 45 डिग्री तापमान होता है, तो आपको पशुओं के बांधने के लिए या तो अच्छे मकान की व्यवस्था होनी चाहिए या शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर ऊपर छत हो जिससे पशुओं को ठंडी हवा लगती रहे। इसके बाद यदि टेम्परेचर ज्यादा हो तो जो आप बांधते हैं, जहां पर खिड़कियां हैं, उन पे आप ठंडे पर्दे लगा सकते हैं, जिससे पशुओं में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ज्यादा यदि गर्मी गिर रही है, गर्म वातावरण है, तो आप पशुओं के लिए कूलर की व्यवस्था भी कर सकते हैं। साथियों, इससे पशु यदि ठंडे रहेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो पशुओं के दूध उत्पादन में कमी नहीं आएगी। इसके बाद यदि आपके पास में व्यवस्था नहीं हो सकती है तो पशुओं को जहां ज्यादा छायादार पेड़ रहते हैं, पेड़ की छांव में आप बांध सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज्यादातर पशुओं में समस्याएं देखने को मिलती है तो आप गर्मी के मौसम में ठंडे छायादार पेड़ों के नीचे बांध सकते हैं। इसके बाद देखिए, पशुओं में आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, पशुओं के खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है आपको। पशुओं को स्वस्थ हरा चारा मिलना चाहिए जिससे पशुओं में कोई दिक्कत नहीं आए। और शाम के समय आप पशुओं को एक बार नहला सकते हैं, ज्यादा समस्या रहे पशुओं को गुड़ और नमक का पानी भी दे सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। और ज्यादातर पशुओं को दिन में 4 से 5 बार ठंडा पानी जरूर पिलाएं, जिससे पशुओं को कोई दिक्कत नहीं आए। और ज्यादा गर्मी के मौसम में आप पशुओं को मिनरल मिक्सचर और विटामिन एच, मिनरल मिक्सचर पाउडर आता है और विटामिन एच लिक्विड आती है, इन दोनों दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता में कमी नहीं आएगी और पशुओं को लू से बचाया जा सकता है। तो साथियों, इन तरीकों के द्वारा आप अपने पशुओं को भी आसानी से लू से बचा सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।